इटावा में बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार सतीश चंद द्विवेदी ने आज जनपद का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जिले की शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बेसिक शिक्षा मंत्री ने अनियमितताओं के खिलाफ सख्त तेवर दिखाए। उन्होंने अपर निदेशक बेसिक शिक्षा कानपुर मंडल को निर्देश दिए कि जनपद इटावा के बेसिक शिक्षा अधिकारी अजय कुमार को हटाने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के आदेश दिए गए। ज्ञात हो कि बीएसएस अजय कुमार के खिलाफ कई शिकायतें थी। भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री प्रशांत राव चौबे ने बताया कि बीएसए के खिलाफ आज संगठन ने भी शिकायत दर्ज करा रखी थी, उसी क्रम में कार्रवाई की गई है। बेसिक शिक्षा मंत्री ने बीएसए के अतिरिक्त मिड डे मील के जिला समन्वयक अरुण यादव तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश दिए। साथ ही बीएसए ऑफिस के लेखाधिकारी के विरुद्ध विभागीय जाँच के आदेश दिए। मंत्री जी, आज प्रेस वार्ता रखी गई है, जिस तरह से यहाँ मंडलीय सभी विभागीय लोगों को बुलाया गया है, क्या सरकार की तरफ से कोई नया निर्देश है शिक्षा नीति को लेकर के? नहीं, आज तो मुख्य रूप से मैं यहाँ पर आया था, पार्टी हमारी आगरा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र जो एमएलसी का है, आगरा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र विधान परिषद का है, ये दोनों चुनाव भाजपा लड़ रही है। चुनाव ये जुलाई अगस्त में होने थे लेकिन कोविड के कारण लेट हुआ। अब ये चुनाव होने वाले हैं आने वाले दिनों में। बहुत दिनों से, पिछले एक साल से हम इस चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं, तो इस चुनाव की तैयारी की प्रगति की समीक्षा करने की दृष्टि से जो कार्यकर्ता इस चुनाव में लगे हैं उनके बीच बैठ करके और क्या तैयारियां हुई हैं, क्या कुछ करना बाकी है, इस दृष्टि से यहां पर आए हैं। अब आए हैं तो विभागीय समीक्षा भी करेंगे, अभी तो विभाग की समीक्षा बैठक होनी है। जिस तरह से विद्यालयों में ड्रेसों के वितरण की बड़ी चर्चा रही है कि कहीं क्वालिटी गुणवत्ता को लेकर के, कई विभाग शिक्षा विभाग में कई टीचर्स को भी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि कहीं विभाग की तरफ से निर्देश दिया जाता है कि बच्चों की जो ड्रेस बनवाई जा रही है वो दूसरी तरह से बनी, अब कहा जा रहा है गुणवत्ता बदली जा रही है। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है या विभाग ही कुछ भ्रष्टाचार कर रहा है? नहीं, ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। जो यूनिफॉर्म है ये